चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम टोटल कॉस्ट के कर्व के साथ। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम टोटल कॉस्ट का कर्व बनाएंगे। सबसे पहले बात ध्यान से देखिए, आराम आराम से एक चीज आपको समझनी है, बहुत आसान है। टेक्निकल पोर्शन हमारा सारा ओवर हो चुका है, आसान आसान चीज है। देखिए टीएफसी टीवीसी, टीएफसी टीवीसी। अब हमें पता है अगर टीवीसी में टीएफसी ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टीसी। ध्यान से देखिए एक एक चीज। इस वाले आउटपुट पे, इतने आउटपुट पे ध्यान से देखना एकदम, ये आउटपुट है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां से लेके यहां तक है। अगर मैं ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ये मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये क्या थी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जो कि इतनी है इसको मैं जोड़ रहा हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया और ये जो पॉइंट आया ये किसका पॉइंट आया, टोटल कॉस्ट का। क्या किया है, होपफुली आपको समझ में आ रहा हो कि टीवीसी में ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इतनी, इसमें मैंने इतनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ऐड कर दी। ठीक है, इसके बाद सेम वे कहीं भी यहां पर देख लो, चाहे कट कर रहे इतना ही आपका, यही टीएफसी है और यही टीवीसी है। देखिए अगर सिर्फ आप टीवीसी कर्व देखें, अब भूल जाओ टीएफसी कर्व एक बार के लिए, तो इतना आपका क्या है टीवीसी और सिर्फ आप टीएफसी कर्व देखो तो ये आपका क्या है टीएफसी भी। ध्यान से देखिए ये आपका है ना टीवीसी। अगर मैं बोलता हूं इस आउटपुट पर टीवीसी बताओ तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो डिस्टेंस है ए और बी दिस इज वॉट टीवीसी। सेम वे अगर मैं आपको बोलता हूं टीएफसी बताओ तो आप क्या बोलोगे, यहां पे अगर मैंने बोला तो आपने कहा सर ए बी जो है वही क्या है आपका टीएफसी। तो अगर मैं इसमें इतना और ऐड कर दूं, मेरे पास एक पॉइंट आ गया, वो जो पॉइंट है ये जो पॉइंट मेरे पास आया ये पॉइंट क्या है कि मैंने या तो आपको टीवीसी में टीएफसी ऐड कर दिया या आपको टीएफसी में टीवीसी ऐड कर दिया, एक ही बात है। सेम वे अगर आप देखो इसकी स्टार्टिंग ओरिजिन से नहीं होगी, इसकी स्टार्टिंग यहां से होगी। क्यों होगी यहां पे, क्योंकि देखिए हमें पता है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी बिकम्स जीरो, टीवीसी क्या बन जाता है जीरो, बट टीएफसी इज फॉर्म्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर आपको टीएफसी मिलता है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीवीसी जो है वो जीरो बन जाता है, बट टीएफसी इज फाउंड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। देयरफॉर टीसी एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट टीएफसी, व्हाई, बिकॉज टीवीसी बिकम्स जीरो। तो जो इसकी स्टार्टिंग होगी टीवीसी कर्व की वो यहां से होगी। अब इनको आप ज्वाइन करिए इन पॉइंट्स को और आप अपना रिलैक्स मैनर के अंदर टीसी बना सकते हैं। तो
आपका एक तरह से पूरा टीसी कर्व आ गया। ठीक है जी, थोड़ी सी इसकी शेप मेरी यहाँ पर बिगड़ रही है क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, बट आप जब इसे पेंसिल से बनाएंगे ये प्रॉपर आपके पास आएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, तीनों की जो डेड एंडिंग है वो सेम होनी चाहिए। आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, पता नहीं क्या बनाते हैं, और आपको सब कुछ सही नजर आता है, ये यहां खत्म हो गया, यहां खत्म हुआ, ये यहां खत्म हुआ, नहीं, तीनों की एंडिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो गैप है ये गैप सेम, ये आपका जो टीएफसी है, ये जो आपका टीएफसी है इतना, ये टीसी और टीवीसी के बीच का गैप। अब अगर आप इसकी डेरिवेशन देखेंगे ये बना कैसे, क्या इसके पॉइंट्स आपको लिख के आने, सबसे पहले टीसी कर्व अगर आप देखें इज पैरेलल टू टीवीसी कर्व बिकॉज देयर डिफरेंस इज टीएफसी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। जो टीसी कर्व है वो टीवीसी के पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो लगातार सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि उनका डिफरेंस है क्या, टीएफसी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। ठीक है जी, अच्छा टीसी कर्व is greater than or you can say TC curve lies above TC curve because TC is sum of TC is in fact अच्छा word बता रहा हूं vertical sum of TVC and TFC, TVC का और TFC का वर्टिकल सम। वर्टिकल क्यों बोला, क्योंकि आप इसे ऐसे ऐड कर रहे हो, अगर आप इसे ऐसे ऐड कर रहे होते तो वो क्या कहलाता, हॉरिजॉन्टल, जब आप ऐसे ऐड करते हो तो वो क्या कहलाता है, वर्टिकल। तो ये तीन पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं कि TC कर्व ग्रेटर होता है TC कर्व से, TVC कर्व से, या TC कर्व उसके अबव लाइक करता है क्योंकि वो वर्टिकल सम है TVC एंड TFC का। पैरेलल क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो टीएफसी है जो कि थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट। और जीरो लेवल पर टीसी जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो कहां से स्टार्ट होता है, टीएफसी पे, क्योंकि टीवीसी जीरो बन जाता है बट टीएफसी जीरो नहीं बनता। तो इस कर्व की जब आप डेरिवेशन लिख रहे हैं तो आपको चार पॉइंट एक्सप्रेस करके आने हैं, फर्स्ट टीसी इज सम ऑफ, बेशक इसे भी आप स्टेटमेंट में लिख दें, टीसी इज सम ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी, फिर सेकेंड आप ये लिख दीजिए, फिर थर्ड आप ये लिख दीजिए, फिर फोर्थ आप ये लिख दीजिए। ये चार पॉइंट्स उसके अंदर जरूर आपको एक्सप्रेस करके आने हैं, एंड ये पॉइंट्स का मूवमेंट आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बार फिर से दोबारा बता दूं मैं आपको कि हमने क्या किया, जितना टीएफसी था वो किसमें ऐड किया, टीवीसी, फिर इस पॉइंट पे इतना और ऐड किया, और फिर यहां से, और एक पैरेलल कर्व हमने बना दिया। तो ये था ऑल टुगेदर आपका टोटल कॉस्ट कर्व।